वोट मिलकर स्वयं विधायक जी और हम सभी अध्यक्ष जी भी बैठे हुए, सभी समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और आप तो अपने घर के लोग हो, तो आप अपने घर के लोग हो तो अपनी बात, अपना हक मांग भी सकते हो, आप प्यार से भी मांग सकते हो, लड़के भी मांग सकते हो, जबरदस्ती भी हमसे छीन सकते हो। और आप सबका दिला रहे हैं, जो भी आपकी मांग है, सड़क की मांग है, इसको भी पूरा करने का काम चाहे किस तरह से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने सक्षम है, नेता ही ने इतना हम लोग को सक्षम बना दिया कि हम उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश में भी एक सड़क बनवानी होगी। कोई भी सरकार हो, अंशुल भैया, अंशुल भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, इसलिए आपको भरोसा दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और हमारे तमाम नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, स्वयं बाबा जी भी नौजवान है, ये समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य नौजवानों का है और इस प्रदेश में जो सरकारें हैं वो नौजवानों भविष्य कैसे खिलवाड़ कर रही हैं आप सभी जानते हैं। इसलिए आप लोगों को एक ऐसा विकल्प तैयार करना है, मजबूत करना है, तीसरा विकल्प। तो बहुत साल हो गए लगातार कहीं कांग्रेस की भाजपा, कांग्रेस भाजपा, जब तक आप तीसरा विकल्प नहीं लेके आएंगे आप लोग की पूछ नहीं होगी। और समाजवादी पार्टी तो स्वयं आप लोग की खुद की पार्टी है, आप लोग की अपनी पार्टी है और आप लोग की पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रत्याशी आपके बीच में, क्योंकि आपने हमें बताया कि आपके अपने समाज का सारा वोट हमेशा लगातार आप ही को मिलता रहा, आप लोगों ने हमेशा इनकी मदद की है। तो आपसे सिर्फ इतना अनुरोध कर रहे हैं कि इस चुनाव में एक बार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग एक बार वोट दे दो, क्योंकि आपका वोट बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। ये वोट आप समाजवादी पार्टी को नहीं दे रहे, ये वोट आप आने वाली अपनी पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप सारे लोग अपनी इस मांग आपने रखी, बहुत अच्छी मांग है और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी इस मांग को पूरा करने का काम हम सारे लोग मिलकर करेंगे और हम लोग हैं, चाहे यहाँ कोई भी सरकार हो। वैसे तो इस बार समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आप भी सड़क पूरी करवाने का काम हम लोग करेंगे। बाबा जी से भी कह रहे हैं, हमारे फौजी दत्ता भी बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया और बाबा जी को हम बताते हैं कि फौजियों का सम्मान बढ़ाने का काम भी आदरणीय नेता ही ने समाजवादी पार्टी ने किया था। हमसे पहले भी आप सभी जानते हैं हमारे फौजी भाई कहीं शहीद हो जाते थे, उनके शव उनके गांव नहीं पहुंच पाते थे, ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय नेता जी जानते हैं कि गांव गरीब किसान का दर्द वो समझते हैं और उन्हीं के रास्ते पर आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने फौजियों का सम्मान किया था उसी तरह से देवगढ़ के सम्मान करने का काम भी इस तरह से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भाई ने जिस तरह से निवेदन रखा है हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, इटावा यहाँ से जहाँ ज्यादा दूर नहीं है, जब आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी, जब आप लोग बुलाओगे, चाहे शादी ब्याह में, सुख में, दुख में, जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा आपके बीच आएंगे, आपके बीच रहेंगे और आपके बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे और नौजवान साथियों का साथ लेते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल भैया, अंशुल भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, जैसा कि हम लोगों में सुबह से खुशी का विषय था और इंतजार था, जो हम चाह रहे थे भैया ने आश्वासन भी कर दिया, आश्वासन भी दे दिया, तो हमारे सामने गांव का विकास इतना अहम मुद्दा नहीं है इस समय, हमारे लिए अहम हमारे मेहमान हैं, हमसे जुड़े रहेंगे ऐसा उन्हें आश्वासन दिया।